अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम आल्टो 660 सीसी में पावर विंडो इंस्टॉल करने लगे हैं। आज हम आपको बताएंगे कितने में हुई, किस तरह की मोटरें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या ऑल्ट्रेशन होती है, किस तरह होनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें शुरू करते हैं वीडियो। ये जिन सुराखों से, जिन पेचों से ये मोटरें खुलेंगी, प्लंजर खुलेंगे, उन्हीं पे ही ये पावर विंडो की मोटरें इंस्टॉल हो जाएंगी। जो जो अपनी जगह पे है इसी तरह सब कुछ इंस्टॉल होगा, कोई एक्स्ट्रा सुराख नहीं किए जाएंगे। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, इसी ये देखें, ये है मोटरें, ये काबली मोटरें हैं, बिल्कुल ओरिजिनल, रिपेयर होने की गारंटी है इस बात की कि ये रिपेयर शुदा नहीं है। ये प्रॉपर इन्हीं सुराखों पे, जिन सुराखों से वो पहले वाली हैंडल वाली मोटरें प्लंजर उतरे हैं, उन्हीं पे ये जेन्युइन मोटरें पावर विंडो की इंस्टॉल हो जाएंगी बिल्कुल बाय, बहुत ही आसान तरीके से।
ये मुकम्मल हो गई हैं पावर विंडो। आपको ये दिखाते हैं हम बटन कैसे लगाए हैं, किस जगह पे लगे हैं, किस तरह इनकी सेटिंग हुई है। ये देखें, ये पावर विंडो के बटन हैं। इस बारे में हमने आपसे वीडियो नहीं शेयर की बनाने के मुतालिक, हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि किस तरह किस जगह ये बटन लगते हैं और कौन से बटन होते हैं, किस तरह के बटन होते हैं और किस जगह इनकी सेटिंग होती है, ये कैसे किस जगह आएंगे, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये पावर विंडो 12,000 रुपये में इंस्टॉल की गई है। अगर जो ओरिजिनल जो गाड़ी के साथ आती है अगर उसके साथ की करवाना चाहें वो बहुत कॉस्टली हो जाती है, वो तकरीबन कम से कम कोई 65,000 रुपये का उसके मोटरें गत्ते और मशीनें वगैरह आती हैं। ये कह लें कि कम खर्च और बैलेंसी काम। ये पावर विंडो का मेन पैनल का बटन है जो आपको दिखा रहे हैं हम। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। हम आपके लिए इसी तरह की बहुत सारी वीडियो बनाते हैं और शेयर किया करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा।